नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस को बधाई देने के लिए शहर में लगाए गए भव्य होर्डिंग्स, अमित शाह का फोटो होर्डिंग से नदारद। आषाढ़ी के पावन अवसर पर 24 घंटे विट्ठल के दर्शन शुरू, परंपरा के अनुसार बाहर निकाला गया विट्ठल के शयन कक्ष में लगा पलंग। और नागपुर के उत्कर्ष नगर चौक में की गई फायरिंग, चारों आरोपी पुलिस हिरासत में, पुलिस लगा रही फायरिंग के उद्देश्य का पता। अब खबरें विस्तार से। पूर्व महापौर संदीप जोशी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खुद मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। देवेंद्र फडणवीस के होर्डिंग्स में अमित शाह की तस्वीर नहीं है, जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। नागपुर के पूर्व महापौर संदीप जोशी ने कहा कि होर्डिंग्स को भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार लगाया गया है। हो, नागपुरकरांची विदर्भवासियांची ही इच्छा होती कि त्यांचा आपला देवेंद्र, लाडका देवेंद्र हा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे। खरं म्हणजे 5 वर्षात प्रचंड काम देवेंद्रजींनी केलं। 5 वर्षानंतर 106 आमदार देखील निवडून आलेत, पण दुर्दैवाने घात झाला आणि देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होऊ शकले नाही। परंतु आता 2.5 वर्षानंतर अशी परिस्थिती आली होती की देवेंद्रजी आता मुख्यमंत्री होतील अशी या शहरातल्या सर्वसामान्य नागरिकांची, महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा होती, अपेक्षा होती। परंतु दुर्दैवाने ते झालं नाही। आणि त्यातही त्यांनी ज्या पद्धतीने स्वतःहून एवढी मेजॉरिटी असताना 50 जणांच्या गटाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःहून हसत खेळत स्वतःच्या गळ्यातली माळ ही त्यांनी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या गळ्यात घातली, हे फार मोठं काम त्यांनी या ठिकाणी केलं। हिमालयासारखी उंची असलेला हा नेता आहे हे लक्षात आलं आणि त्यामुळे आम्हा सर्वांना निश्चित वाईट वाटलं आणि त्या वाईट वाटल्याच्या ह्याच्यातून भावना उचंबळून आल्या आणि त्यामुळे आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी या पद्धतीचे होर्डिंग्स नागपूर शहरामध्ये लावलेले आहेत। खरं म्हणजे अमित शहा यांचा फोटो आमच्या प्रोटोकॉलनुसार भारतीय जनता पक्षाचा हा कधीच नसतो। आपण जर बघितलं तर माननीय पंतप्रधानांचा फोटो, मग राष्ट्रीय अध्यक्षांचा फोटो, मग नागपूरच्या खासदारांचा फोटो, मग प्रदेशाच्या अध्यक्षांचा फोटो, प्रदेशाच्या सरचिटणीसांचा फोटो आणि त्यानंतर शहराच्या अध्यक्षांचा फोटो। यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं राजकारण नव्हे। आम्हाला देवेंद्र फडणवीसांनी कधीही या पद्धतीचं राजकारण करणं हे शिकवलेलंच नाही आहे। या ठिकाणी कुठेही महाराष्ट्रातले पीयूष गोयल मंत्री आहे त्यांचा फोटो नाही आहे आणि त्यामुळे अमितजींचा फोटो नाही आहे। अमितजी आमचे राष्ट्रीय नेते आहे, त्यांच्याबद्दल निश्चितच आम्हाला आदर आहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है वो गलत है, शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। उद्धव ने कहा कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी काम ना करे जो पर्यावरण को खराब करता हो। उद्धव ने कहा कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करे जो पर्यावरण को खराब करता हो। और ठाकरे ने कहा कि हर मतदाता को अधिकार होना चाहिए कि जिसे वो वोट दे रहा है उसे वापस बुला सके। सभी ने देखा कि मेरी पीठ पर किस तरह से खंजर घुपा गया। अगर भाजपा ने मुझे दिया गया वचन पूरा किया होता तो कम से कम 2.5 साल तक तो उनका अपना मुख्यमंत्री रहता। महाराष्ट्र में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। मैं वचन देना चाहता हूं कि मैं कभी भी सत्ता के लिए गद्दारी नहीं करूंगा। सत्ता आती है जाती है। नागपुर के पाँचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत कल एक गुना दर्ज किया गया। इसमें 13 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर 22 वर्षीय आरोपी गीतेश संजय नामदेव ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसमें आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कायदा अंतर्गत गुना दाखिल कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। लालगंज की फिर्यादी यांनी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली की त्यांची 13 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी हिच्यासोबत याचा आरोपी गीतेश संजय नामदेव वय 22 वर्ष आहे याने अल्पवयीन मुलीला ताजबाग येथे फिरण्याकरता घेऊन गेला। तिथं त्याने मंगळसूत्र वगैरे तिच्या गळ्यामध्ये घालून
आपला लग्न झाला असं भासून ते दिनांक 14/6 आणि 30/6 रोजी त्याने घरा आपल्या घरातील स्लॅपवर गच्चीवर जाऊन त्याच्या त्याच्याबरोबर अतिप्रसंग केला होता. ते त्यांचे म्हणणे होते त्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशन येते 376 आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. सर, आरोपी आणि जे क्रिया जी आहे जे तुम्ही त्याचे रिलेशन काय आहे आजूबाजून राहतात का आणि आरोपी हा काय काम धंदे करतो काय सांगता? फिर्यादी आणि जे आरोपी आहे ते फिर्यादीच्या घरीच ते किराणा राहतात आणि तो जो आरोपी आहे हा कटपीस विकण्याचे बाजारामध्ये कटपीस विकण्याचे ठिकठिकाणी तो कामं लावून कामं करतो. आरोपी आहे क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आहे का? नाही नाही, क्रिमिनल बॅकग्राऊंड वगैरे काही नाही. त्याच्या ते कटपीसचा त्याचा धंदा होता आणि तो कटपीसच्या धंद्यावर त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचे गुन्हे आता दाखल नाही. नाही तसं काही आपला धमकी वगैरेचं काही आपल्या तपासामध्ये तपासामध्ये पुढे येईल पण आता सध्या आपण त्याच्यावर 376 आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे आणि पुढील तपास हे म्हणते आहे PSI म्हणते करत. आषाढी वारी की पृष्ठभूमी पर विठ्ठल के दर्शन आज से 24 घंटे भक्तों के लिए शुरू कर दिए गए. परंपरा के अनुसार विठ्ठल के शयन कक्ष में लगा पलंग बाहर निकाला गया. आषाढ़ी यात्रा की पृष्ठभूमि पर श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे. इसके लिए विठ्ठल के दर्शन 2400 घंटे खुले रहेंगे. इसके लिए विठ्ठल का दैनिक राजोपचार भी आज से बंद कर दिया गया. आषाढ़ी एकादशी के 24 घंटे प्रक्षाल पूजा तक भक्तों के लिए विठ्ठल और मां रुक्मिणी के दर्शन खुले रहेंगे. प्रक्षाल पूजा के बाद ही विठ्ठल का राजोपचार एक बार फिर से शुरू होगा. इस अवधि के दौरान केवल विठ्ठल की दैनिक पूजा और शाम को विठ्ठल को नींबू पानी चढ़ाया जाएगा. आज श्री विठ्ठलाचा पलंग काढून 24 तास वारकऱ्यांना दर्शन आजपासून चालू झालेले आहे. हे दर्शन प्रक्षाळ पूजेपर्यंत म्हणजे 18 तारखेपर्यंत हे दर्शन चालू राहणार आहे. दर्शनात लोक मुखदर्शन आणि चरणदर्शन असे दोन्ही दर्शन नित्य होणार आहेत आणि आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने राज्याचे मुख्यमंत्री हे महापूजा करण्याची प्रथा व परंपरा आहे. त्यानुसार मंदिर समितीच्या वतीनं या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिंदेसाहेब यांना मंदिर समिती महापूजेसाठी निमंत्रण देणार आहे. उद्धव ठाकरे येणार आहेत का महापूजेला? त्यांना देखील आपण आमंत्रित केलं तर दर्शनाला वगैरे ते येणार आहेत. परंपरा ही मुख्यमंत्र्यांना महापूजेसाठी निमंत्रण द्यावायची आहे, त्यानुसार आदरणीय एकनाथ शिंदेजी साहेबांना आपण महापूजेचं निमंत्रण देत आहोत. शिंदे सरकार के शपथ ग्रहण के दूसरे दिन मराठवाड़ा में शिवसेना एक्शन मोड में आ गई. बीड में आज शिवसेना पदाधिकारियों की आपात बैठक हुई. इस बैठक में शिवसेना को फिर से मजबूत करने और बागियों को सबक सिखाने के मुद्दे पर चर्चा हुई. इस बीच जब बैठक चल रही थी चंद्रकांत खैरे को शिवसेना नेता सुभाष देसाई का फोन आया. शिवसेना नेताओं की कल मुंबई में आपात बैठक बुलाई गई है. राऊतांना संजय राऊत साहेबांना इडी नोटीस नाही, स्वतः शरद पवार साहेबांना ही नोटीस आली इन्कम टॅक्सची. म्हणजे हे असे म्हणजे रिव्हेंजफुल ॲटिट्यूड ठेवू नये माणसाने. राजकारणात ते पूर्वी नव्हतं, आता ते सुरू झालं. एकीकडे बंडखोरी करायची आणि दुसऱ्या दिवशी बदले का बदला असं काही वाटतं? आम्ही आई जगदंबेच्या शक्तिस्थानासाठी मानणारे लोक आहोत. मी तुम्हाला या ठिकाणी जगदंबा कधीही त्या ठिकाणी अशा गद्दारांना माफ करत नाही इतकं सांगतो. या बंडखोरांना काय धडा शिकवायचा? नाही, जनता शिकवणार, आम्ही नाही शिकवणार. आम्ही आमच्या पद्धतीने करू पण जनता त्यांना धडा दाखवून. आत्तापर्यंत शिवसेनेतून फुटून गेलेली जी अवस्था काय झाली तुम्ही ऑब्झर्व्ह करा. निलंबित कधी करणार बंडखोर आमदार? नाही, आता ते कायदेशीर होईल. आता उद्या पण मला अर्जंट आता फोन आला तसं माझ्या असते म्हणतो की उद्या 12:30 मीटिंग शिवसेना फोन लावली चाललो आम्ही तिकडे. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन,
मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। विदर्भ में मानसून ठीक समय पर आया था, हालांकि उसके बाद से 15 दिनों में बंगाल की खाड़ी में कहीं भी मूसलाधार या अत्यधिक मूसलाधार बारिश के हालात नहीं बने हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू ने कहा कि परिणाम स्वरूप विदर्भ में पिछले औसत की तुलना में 39% कम बारिश हुई। हालांकि इस बीच विदर्भ के कुछ हिस्सों में विरल बारिश दर्ज की गई, लेकिन अभी तक हर जगह बारिश नहीं हुई है। विदर्भ में तब तक बारिश की कोई संभावना नहीं है जब तक कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का पट्टा नहीं बन जाता, ऐसी जानकारी मोहनलाल साहू ने दी है। मानसून के आने के बाद से पिछले 15 दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक भी कम दबाव का पट्टा नहीं बना है, इसलिए विदर्भ में बारिश के प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा हवा की दिशा अक्सर बदल जाने से बारिश की मात्रा कम हो गई है। मोहनलाल साहू ने कहा कि अगर मलेशिया और बर्मा से तूफान आता है तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का पट्टा बन जाएगा, जिससे विदर्भ में भी बारिश आ सकती है। जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, इसलिए इस महीने कम से कम 2 से 3 बार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की पेटियां बनने से जून का बैकलॉग भर जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले कुछ दिनों में ऐसी कोई व्यवस्था बनने की कोई संभावना नहीं है। अकोला जिले में 105 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें अकोला में 27% कम बारिश हुई, जबकि अमरावती में अब तक केवल 91 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 39% कम बारिश है। भंडारा में 41% कम बारिश हुई, जबकि बुलडाना में 24% कम बारिश हुई। चंद्रपुर में अब तक 121 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 36% कम है। इसके अलावा गढ़चिरौली में 117 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 47% कम है। वर्धा में भी सामान्य से 47% कम बारिश के साथ स्थिति समान है। गोंदिया में 30% बारिश हुई, जबकि नागपुर में 31% बारिश हुई। विदर्भ में सबसे कम वर्षा यवतमाल जिले में होती है, यवतमाल जिले में 51% कम बारिश हुई है। मानसून जो है यहाँ पे नॉर्मल डेट को आ गया था और उसके बाद से मानसून की गतिविधि चालू है, लेकिन मानसून में हमें जैसे बहुत भारी बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश वो स्थिति अभी तक बनी नहीं है। बीच बीच में मिल रहा है हमें बारिश, लेकिन बहुत जो अच्छी बारिश होती है, कंटिन्यूस रेन होती है, उसके लिए हमें एक तगड़ा सिस्टम चाहिए होता है। तो बंगाल की खाड़ी में भी जून के महीने में एक भी तगड़ा सिस्टम अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तगड़ा सिस्टम से मेरा कहने का मतलब है लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन, इस टाइप के सिस्टम अभी तक एक भी फॉर्म नहीं हुए। तो उसके कारण जो बारिश हो रही है वो या तो लाइट सिस्टम है कि द्रोणिका बन रही है या विंड डिसकंटिन्यूटी है, उसके कारण मिल रहा है। तो उसमें
हालांकि बारिश हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं मिल पाने के कारण नॉर्मल रेनफॉल जो है उससे हम डिफिशियंट में चल रहे हैं, अभी नॉर्मल में अभी नहीं है। तो अभी जुलाई का महीना जो होता है वो बारिश का सबसे मतलब जो है ज़्यादा बारिश वाला महीना होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में एक दो डिप्रेशन बे अब बंगाल में बने तो उसके बाद में ही मानसून सामान्य हो पाया है। अभी हालांकि बारिश की एक्टिविटी बंद नहीं होगी, बारिश होता रहेगा, लेकिन वही है कि जो एक वर्ड यूज़ करते हैं मध्य भारत में खंड वर्षा टाइप का है कि किसी जगह पे अच्छी बारिश हो जाती है किसी जगह पे नहीं होती है, तो उस टाइप की बारिश अभी चल रही है और जब तक कोई तगड़ा सिस्टम नहीं बनेगा तब तक बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। अभी अगले 4-5 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा तगड़े सिस्टम या बे ऑफ बंगाल में कोई सिस्टम बनने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन अंतर्गत उत्कर्ष नगर चौक में कल फायरिंग की घटना सामने आई थी। पुलिस के तपास यंत्रणा को इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर दाखिल हुई। पुलिस को गाड़ी के नंबर प्लेट से जानकारी मिली थी, उस आधार पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी में बैठे हुए आलोक शुक्ला, दीपक चौधरी, राजू कड़ू, कार्तिकेय दशसहस्त्र, इन चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से सभी हथियार जमा कर लिए हैं। किसी उद्देश्य से ये फायरिंग की गई थी इसकी जांच पुलिस कर रही है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाबू ढेरे ने दी है। सुमारे 10 दरमियान पुलिस स्टेशन ला हजर असताना तुमच्या तपास पथकास माहिती गोपनीय माहिती मिळाली की उत्कर्ष नगर चौक या ठिकाणी फायरिंग झाले, त्याच्या आधारे आमचा स्टाफ तत्काळ त्या ठिकाणी रवाना झाला। त्यावर गाडीचा फक्त लास्ट नंबर 77-77 असा काळी गाडी म्हणून फक्त माहिती मिळाली होती, त्या आधारे आमचा स्टाफ त्या गाडीचा पाठलाग करत पुढे गोरेवाड्यापर्यंत गेला, तिथून गाडी परत आली, तिथं पण फायरिंग झाला असं माहिती मिळती, त्या अनुषंगाने पण तपास चालू आहे अजून। आणि त्यानंतर ती गाडी परत येऊन आम्हाला हजारीपाड या भागात आमच्या लोकांनी ट्रॅप लावून तिचा पाठलाग करून पकडली, त्यामध्ये 4 लोकं होती त्या गाडीमध्ये, त्यापैकी एकाचं नाव आहे आलोक शुक्ला, दुसरा दीपक चौधरी, राजू कडू आणि कार्तिकेय दशसहस्त्र हे चौघजण होते, त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं, त्यांच्याकडे वेपन मिळालेलं आहे। विथ आलोक शुक्ला याच्याकडे त्याबाबत लायसन आहे, परंतु त्याने उत्कर्ष नगर या चौकात सार्वजनिक ठिकाणी चौकामध्ये रहदारीचं ठिकाणी फायरिंग केलेलं आहे हे निष्पन्न झालेलं आहे तपासामध्ये, आणि पुढे आणखी कुठे कुठे फायरिंग केलं किंवा उद्देश काय होता ह्याच्या मागचा शोध घेणं चालू आहे, तपास चालू आहे, आमचा पुढील तपास PSI शेडमागे साहेब करत आहेत। आलोक शुक्ला हा अकोलेचा आहे मूळ, पण त्याचे इथं पण नातेवाईक आहेत नागपूरमध्ये, पण मित्र आहेत, त्यांचा धंदा ट्रान्सपोर्टचा असल्यामुळे ते फिरत असतात, यावर अजून माहिती घेणं चालू आहे त्याबाबत त्यांच्या। त्यापैकी आलोक शुक्ला आणि कार्तिकेय दशसहस्त्र यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे अशी माहिती मिळाली। अद्यापर्यंत काही त्याबाबत माहिती मिळाली नाही, माहिती काढणं चालू आहे, असू शकतं क्राईम रेकॉर्ड अकोल्याला वगैरे रेकॉर्ड काय आहे का चेक करणार। हम तीनों दल महाविकास आघाडी के रूप में एक साथ आए, विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हमारे पास एक ही उम्मीदवार रहेगा, सरकार के जाने के बाद हमने साथ बैठकर चर्चा नहीं की है, हम साथ बैठकर अगली नीति तय करेंगे, स्थानीय निकाय चुनाव में जहां भी संभव होगा हम तीनों दलों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी है। संजय राउत को ED से नोटिस मिला है और वो पूछताछ का सामना कर रहे हैं, वो निर्दोष है और हमें इससे कोई संदेह नहीं है। आज की जांच के अंत में ये देखा जाना बाकी है कि दिल्ली में ED के अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमारे नेताओं से दिन में पूछताछ की जाती थी और देर रात के बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आती है, इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ED संजय राउत के खिलाफ सचेत रूप नहीं अपनाएगा, ऐसा वक्तव्य जयंत पाटिल ने कहा है। एकंदर प्रसार माध्यमात दिसत होतं त्या दोघांनाही आश्चर्य वाटलं आणि फारशी काही खुशी नव्हती, त्यामुळे हे आनंदाने झालेलं आहे असं दिसत नाही, आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या ती बरीचशी नाराजी असावी असं एकंदर प्रसारमाध्यमात जे दिसलं त्यावरून आम्हाला वाटतं। पर्यावरणाचं रक्षण करावं आणि विशेषतः मुंबईच्या जवळचं हे सर्वात मोठं जंगल आहे, फॉरेस्ट आहे, आणि तिथल्या झाडांची तोड होऊ नये आणि मुंबईतल्या पर्यावरणाचं रक्षण करावं हा उद्धव ठाकरे यांचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह राहिलेला आहे,
आणि म्हणून त्यांनी तो निर्णय घेतलेला होता. नवं सरकार आलं, नवं सरकार आल्यावर त्यांनी नवीन निर्णय घेतला. हां, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं संख्याबळ आज जास्त आहे, शिवसेनेचं जास्त होतं, पण शिवसेनेत फूट पडलेली दिसते. त्यामुळं शिवसेना 55, आमचा पक्ष आज 53 आणि नंतर काँग्रेस अशी साधारण आकडेवारी आहे. संख्याबळ आजच्या मितीला विरोधी बाकावर बसणारं सगळ्यात जास्त राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यामुळं एकंदर महाविकास आघाडीतील इतर गटनेत्यांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर राष्ट्रवादीचा जर निर्णय झाला तर मग राष्ट्रवादीचे आदरणीय पवारसाहेब त्याबाबतीत योग्य ते निर्णय घेतील. इस वर्ष आषाढ़ माह में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है. आज वर्धा जिले में भी उत्कल समाज की ओर से शहर से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई. 1 जुलाई को श्री राम मंदिर से शुरू हुई और वर्धा शहर के करुण श्री राम मंदिर में भ्रमण होगा. रथ यात्रा का विशेष आकर्षण ओडिशा क्षेत्र के विशिष्ट संकीर्तन और इस्कॉन संकीर्तन था. इस रथ यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. जगन्नाथ महाप्रभु संपूर्ण विश्वाचे महाप्रभु आहेत आणि आषाढ शुक्ल द्वितीया या दिवशी त्यांचे रथ यात्रा आपण काढत असतो आणि सामान्यपणे मंदिरात अहिंदू लोकांचे दर्शन वर्जित आहे, तिथे दर्शन नाही करू शकतात. याच्यासाठी महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाहेर पडतात. त्यांचे जे वास्तविक विग्रह असतो त्या विग्रहाला बाहेर काढत असतात आणि महाप्रभू संपूर्ण जगाला दर्शन देण्यासाठी, संपूर्ण जगाला पवित्र करण्यासाठी, संपूर्ण जगाला मुक्तीचा मार्ग प्रदर्शनासाठी बाहेर येतात. आणि आजचा दिवस आणि तो आज हा रथयात्रा फक्त पुरी नव्हे, विश्वभरात त्याचं यात्रा काढला जात आहे. जगन्नाथ जो आहे विष्णू भगवान का अवतार आहे व जगत का नाथ आहे. जे विश्वरूप विश्व में हर जगह पे जगन्नाथ की यात्रा किया जाता है. अभी पूरी जगन्नाथ में विश्व प्रसिद्ध है. अभी हम वर्धा में ये पहले साल हुआ था एक बार, उसके बाद कोविड के कारण हुआ नहीं था. अभी ये दूसरी बार हो रहा है. इसमें क्या है, हम लोग चौक चौक में घूम के जगन्नाथ जी की प्रतिमा चौक चौक में बैठा के उनका आरती कराते हैं. उसके बाद में 8 दिन के ये महादेव मंदिर में आते हैं. गोंदिया स्थानीय आयकर कार्यालय के बाजू में एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल द्वारा मंदिर बनाया गया है. शहर में राम दरबार मंदिर में प्रथम दिवस आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई. उत्तर प्रदेश के पंडितों आचार्य पंडित राजदेव तिवारी, जय नारायण तिवारी, रविशंकर तिवारी, चन्नू पांडे, संतोष चौबे, सुरेंद्र पांडे, शशांक मिश्रा द्वारा 5 दिनों तक राम मंदिर जलाधिवास, पुष्पाधिवास, अन्नाधिवास, सुंदरपाठ, शिखर ध्वज, कलश स्थापना, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, पूर्णाहुति एवं महाप्रसाद हजारों जन समुदाय को वितरित किया गया. संस्थापक वीरेंद्र जायसवाल परिवार द्वारा विविध पूजा अर्चना की गई. मंदिरों में अतिथियों ने भी पूजा कर आशीर्वाद लिया. तो बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.